हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज। तो आज हम मार्तंड सूर्य मंदिर पर चर्चा करेंगे कि इसे किसने बनवाया और ये कहाँ स्थित है और इसकी वास्तुकला क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। मार्तंड सूर्य मंदिर केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में अनंतनाग से 5 मील की दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं इस मैप में। यह एक हिंदू सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण 7 से 8वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इस मंदिर को बनवाने का कार्य कारकोटा राजवंश की तीसरे शासक ललितादित्य ने करवाया था। मार्तंड मंदिर अपनी वास्तुकला के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह मंदिर कश्मीरी हिंदू राजाओं के स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। कश्मीर का यह मंदिर वहाँ की निर्माण शैली को व्यक्त करता है। मार्तंड सूर्य मंदिर का प्रांगण 120 फीट लंबा और 142 फीट चौड़ा है। 220 फुट लंबा है और 142 फीट चौड़ा है। और मंदिर की लंबाई 60 फुट और चौड़ाई 38 फुट है। इस मंदिर के लगभग 80 भाग अवशेष में वर्तमान में उपस्थित हैं। इस मंदिर के पूर्वी किनारे पर मुख्य प्रवेश द्वार का मंडप है। इसके द्वार पर मेहराब थे, जो इस मंदिर की वास्तुकला की विशेषता हैं। द्वार, मंडप तथा मंदिर के स्तंभों की वास्तुशैली रोम की डोरिक शैली से कुछ अंशों से मिलती जुलती है। मार्तंड मंदिर अपनी वास्तुकला के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। ये इसका प्रांगण है। यहाँ दूर दूर से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इस मंदिर को बनाने के लिए चूने के पत्थर की चौकोर ईंटों का प्रयोग किया गया है, जो उस समय के कलाकारों की कुशलता को दर्शाता है। आप ये बोर्ड देख सकते हैं। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगवाया गया है। मार्तंड मंदिर के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लोगों के घूमने के लिए खोला गया है। इसमें 84 स्तंभ है, जो नियमित अंतराल पर रखे गए हैं। आप मंदिर घूमते हुए एक सरोवर को भी देख सकते हैं, जिसमें आज भी रंग बिरंगीन मछलियां तैरती हुई नजर आती हैं। मंदिर की उत्तरी दिशा में खूबसूरत पर्वतों और कश्मीर की घाटियों का मनोरम दृश्य का नज़ारा भी देखा जा सकता है। राजा ललितादित्य भारतीय उपमहाद्वीप में कश्मीर क्षेत्र के करकोटा राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। राजा ललितादित्य को कश्मीर का सिकंदर भी कहा जाता था। इनका शासनकाल 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने कश्मीर में कई मंदिरों का निर्माण करवाया तथा कई शहरों की स्थापना भी करवाई। मुख्य शहर परियासापुरा और मंदिरों में मार्तंड मंदिर मुख्य हैं। ललितादित्य राजा के काल में कश्मीर का विस्तार मध्य एशिया और बंगाल तक पहुंच गया था। इन्होंने अरब के मुसलमान आक्रांताओं को सफलतापूर्वक दबाया था तथा तिब्बती सेनाओं को पीछे भी ढकेला था। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र तक फैलाया था। इन्होंने अपना विस्तार तिब्बत तक भी किया था। ये है कुछ ललितादित्य राजा द्वारा बनवाई गई इमारतें, जो बहुत सुंदर हैं और इनमें काफ़ी सुंदर वास्तुकला का प्रयोग हुआ है, जिसे उनके समय की कला के विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। ललितादित्य राजा ने विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जो काफ़ी बड़ी और ऊंची भी होती थी, लेकिन उनके साक्ष्य अब कम मिलते हैं। उनके द्वारा बनवाई हुई कई मंदिर अब खंडहरों में बदल गई हैं या कई किसी शासक द्वारा नष्ट करवा दी गई हैं। आपको बता दूं कि मार्तंड सूर्य मंदिर सुल्तान सिकंदर बट सिकंद द्वारा नष्ट करवा दिया गया था, जिसकी वजह से अब मार्तंड मंदिर के साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। ये था पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। आपको मार्तंड मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू।